तो बहुत सारा चीज़ें कुछ ऐसे होता है जो कभी कभी अचानक हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन उस चीज़ से आपको गुजरना पड़ता है, आपको उससे क्या बोलते हैं उसको, मतलब रिलेट भी कर लेना पड़ता है एक सर्टेन टाइम के बाद। ऐसे ही हुआ है, तो क्या क्या हुआ है वो आपको ब्लॉग में बताता हूँ। ये शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वेलकम टू द चैनल एयर ब्लॉग्स, ऑलवेज वेलकम्स यू। लिव टुडे, लिव नाउ। तो मैं सोचा था कि घर में थोड़ा इंट्रो वगैरह। बाली बाली अगरवाल 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 ना बालाजी कॉम्बिनेशन की बोले একটা एड्रेस की बोले छे बालाजी कम्युनिकेशन की दुकान ना उनर बाड़ी ना उनर ऑनलाइन शॉप আছে বলল ওখানে নাকি এখানে ও মেইন রাস্তার উপরে মেইন রাস্তার উপরে গিয়ে মেইন রাস্তায় উঠবেন উঠে বাঁ দিকে যাবেন গিয়ে দেখবেন ডান রাস্তা ডান দিকে পড়বে একটা ফ্ল্যাট রয়েছে বড় ফ্ল্যাটের উল্টো দিকে বালাজি কমিউনিকেশন तो सुबह सुबह कुछ एंथुसियास्ट मिल गए, शायद इन लोगों को भी बाइक वगैरह पसंद है और राइडिंग वगैरह। मेरा हेलमेट पे कैमरा देख के इन लोगों को लगा कि मैं भी बाइक वगैरह, जो कि सही है, चलो ठीक है। ये लोग एड्रेस पूछ रहे थे, तो बात ये था कि वो क्या बोलने का था, सब एकदम पूरा ये हो गया। तो मैं सोचा था कि घर में थोड़ा इंट्रो देकर फिर निकलूंगा, लेकिन मुझे अभी जाना है शायंतन के घर, क्योंकि उसके घर में एक पूजा है और मुझे यहाँ पर जाना है। तो आज पूरा देरी हो गया मेरा, तो अभी घर में बज गए 10:40, और उसने अभी फ़ोन करके बोला था कि जो पंडित जी है वो आ गए हैं, तो उससे तो मुझे जल्द से जल्द उधर पहुँचना है। तो तब तक जितना बात हो सकता है मैं करूँगा, लेकिन बाकी सभी इंफॉर्मेशन जो है मैं आज ही इसी ब्लॉक में कवर करूँगा, ठीक है। तो तब तक मेरे साथ देखते रहिए और चलते रहिए आज के ब्लॉक के लिए, चलो। मतलब जिस दिन आपको थोड़ा जल्दबाजी होता है उसी दिन सारा जैम उसी दिन होना पड़ रहा है इसको। मतलब वही होता है हमेशा, जब आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा काम हो और उसी दिन पूरा रास्ता जैम रहता है। ये देखो हॉर्न मारा, ये रास्ता भी नहीं दे रहा है क्या बे। भाई साइड दे भाई, कि मिठाई अभी ले लूं या बाद में जाके लूं कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि लेट पूरा हो गया। देखो 9 मिनट हो भी गए, हाई रोड पकड़ता तो कम से कम अभी बहुत नज़दीक चला जाता, लेकिन अभी रेल गेट बंद था, हाई रोड कैसे पकड़ूं मैं। पता नहीं आज का व्लॉग मैं कैसे शूट कर रहा हूँ, कैसा आ रहा है मुझे को भी नहीं मालूम पड़ रहा है आज। मतलब जल्दबाजी ठीक है, मतलब उसके साथ साथ मतलब आराम से भी गाड़ी चलाना पड़ रहा है, सेफली गाड़ी चलाना पड़ रहा है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि अगर आपको हड़बड़ी है तो मेक श्योर कि आप सेफली गाड़ी चला रहे हो। अगर आप मिस हो जाते हो तो अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप जाइए, लेकिन सेफ्टी मेजर कर लेके।
ये वाला चीज मैं बहुत हेट करता हूँ यार। जिस दिन जल्दबाजी होता है उस दिन चलो दे दिया सिग्नल, मुझे जाना है यहाँ से राइट, राइट लेकर मैं ब्रिज के ऊपर से जाऊंगा फिर इधर, चलो निकलते हैं फटफट। पहुंचना चलो बहुत सामने तो आ ही गए, यहाँ से 200 मीटर होगा उसका घर, तब तक मैं लेता हूँ मिठाई पूजा के लिए, लेकिन मिठाई का दुकान से चलो शायद आगे से ले लूँगा मैं। ये देखो ये चाचा को देखो, सबसे बड़ी भसड़ इनकी मची हुई है अभी। এই বিষয়ে দি দাও না तो चलो मिठाई लेना हो गया, अभी फटफट यहाँ से निकलते हैं उसके घर। तो आ ही गए यहाँ से 100 मीटर होगा उसका घर, बस रास्ते के उस पार मुझे जाना है। चलो यार पूजा खत्म ना हो। बापड़े तो हम आ गए हैं, चलो 20 मिनट में हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ फटफट। अभी चलो 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 भाई, हो गए पूजा, हो गए মিউজিক
तो फिलहाल आज का दिन ऐसे ही गया, मतलब थोड़ा ऑफिस के काम का कुछ बात हम लोगों को, मतलब मुझे और शायंतन को थोड़ा डिस्कस करना था, क्योंकि हम दोनों एक ही जगह पे ज्वाइन किए हैं। तो वही डिस्कस करते करते मैं भूल ही गया था कि मुझे ब्लॉग भी बनाना था। तो फिर कुछ डिस्कशन था हम लोगों का, तो अभी बजा है 7:23। तो आज तो कुछ काम मेरा हो नहीं पाया, मतलब ना मैं रिफ्यूल कर पाया ना गाड़ी वॉश करवा पाया। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने घर, तो शायद मैं पूरा रिफ्यूल करवा के ही घर जाऊँगा, क्योंकि कल तो बाइक लेके ऑफिस जा नहीं पाऊँगा, मतलब जाऊँगा नहीं, बस से ही जाऊँगा। तो देखते हैं कहाँ तक, कितने देर तक पहुँचते हैं। बापरे रास्ता एकदम हालत ख़राब। तो चलिए कर लेते हैं फॉग लैम्प का टेस्ट। जला दिया है फॉग लैम्प और नहीं, ठीक ही है पोजीशन, थोड़ा शायद आपकी तरह करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट जो है वो यहाँ पे गिर रही, तो वो थोड़ा वहाँ तक लाइट जाना चाहिए। तो थोड़ा शायद इसको एडजस्ट करके लाइट के थ्रो जो है उसको थोड़ा सामने की तरफ करना पड़ेगा, तो उससे विजिबिलिटी भी अच्छी आ जाएगी। तो ठीक है, घर जाके वो भी एडजस्ट कर लेंगे। নামতে হবে না, বাপরে বাপ, সব থেকে বড় হ্যাপা এটাই। ফুল দাও, 104 আছে এখনো, 150 হয়নি, তার মানে 115 হয়নি তার মানে। তো আজকের ব্লগ ইয়ে ছোটা সাই থা, মতলব ছোটা সাই ইনফরমেশন থা, বাকি কি সব ইনফরমেশন মে আপকো বাদ মে দেতা রহুঙ্গা, ক্যোকি জেসে মেনে কাহা কি মে থোড়া আবি হাসল মে হু, মতলব চারো মতলব হাজারো কাম মেরে आजू बाजू है, जो कुछ कुछ काम ऐसे है जो मैं आपको शायद शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ काम है जो जिसके कारण मैं थोड़ा बहुत प्रेशराइज्ड हूँ, और ऑफिस के जॉब को लेके भी थोड़ा कुछ प्रेशर, इसीलिए टाइम मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे कि मेरा काम चालू रहेगा, तो उसके साथ मेरा ब्लॉगिंग वगैरह चालू रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो जब भी द मोमेंट आई एडजस्ट ऑल द थिंग्स, माय ब्लॉगिंग विल स्टार्ट कंसिस्टेंसली एज वेल। तो फिलहाल तो अभी कोई दूसरा राइड वाइड करने का कुछ अभी प्लान है नहीं, लेकिन कब हमारा क्या है, कब क्या मर्जी, कहीं भी हम निकल जाते हैं, निकल सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि हर एक संडे को हम लोगों का राइड रहता है, आज भी था, लेकिन आज मैं नहीं गया, क्योंकि बैक टू बैक दो संडे गया था, और पिछले संडे इलेक्शन भी था, तो ये संडे हम थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, नहीं आज कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, आज थोड़ा आजू बाजू में ही रहते हैं, घर के सामने ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ब्लॉग को यहाँ तक देख लिए हैं, तो अगर अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलिए, और उसके साथ बेल आइकन एकदम फटाक से दबा दो, ताकि अगले ब्लॉग की जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले मिल सके। और इस तरह एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब ऑल द सब्सक्राइबर जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है मुझे, वेरी थैंकफुल टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, ऑल माई व्यूअर्स, जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो थैंक यू फॉर ऑल। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग पे, फिर कहीं एक नए स्टोरी लेके नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय।